उसमें आपके क्रॉप ने क्या किया, लैंड का यूटिलाइज किया। क्लियर हुआ? यस चलिए जी आगे चलते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। देखो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ये बहुत कंफ्यूज करता होगा आप लोगों को, लेकिन अपन इसको सिंपली भाषा में समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो दिया किसने, ठीक है? तो एक साइंटिस्ट है, उनके नाम है विल्ले। किसने दिया है? विल्ले ने दिया है। क्लियर हुआ? इसको समझने के लिए दोस्त हम बात करते हैं एक बोर्ड पे, ठीक है? मान लीजिए, देखो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो को समझने से पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूं। आपने इंटरक्रॉपिंग पढ़ा है? पढ़ा है दोस्त। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, कोई बताइए पूजा? टू टू या मोर क्रॉप ग्रोन साइमल्टेनियसली साइमेंटेनियसली, है ना? साइमेंटेनियसली। जैसे मान लीजिए हमारा फील्ड है, ये हमारा फील्ड है 1 हेक्टेयर फील्ड है, ठीक है? इस 1 हेक्टेयर फील्ड पर क्या किया, हमने मेज की एक रो लगा दी, ठीक है? मेज की एक रो है और उसके बीच में हमने क्या किया, मूंग की लगा दिया, ठीक है? क्या लगा दिया? मूंग बीन लगा दिया, ठीक है? क्या लगा दिया? मूंग बीन लगा दिया। तो ये है हमारा इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है? और सोले क्रॉपिंग क्या होता है, जहां पर्टिकुलर एक ही क्रॉप लगे। जैसे 1 हेक्टेयर एरिया में केवल हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर मेज ही लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है, सोले क्रॉप है। सोले क्रॉप है किसका? मेज का है, जहां केवल एक ही हमने क्या करता है। सोले क्रॉप क्या होता है, जहां पर्टिकुलर एक क्रॉप की एक ही वेराइटी हम जो है ग्रो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सोले क्रॉप बोलते हैं। क्लियर हुआ? वैसे ही मान लीजिए सोले क्रॉप जो है हम मूंग का लगा रहे हैं, ठीक है, 1 हेक्टेयर के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, सोले क्रॉप ऑफ मूंग हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई आपको यहां तक? यस सर ठीक है। अब देखो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, दो क्रॉप होती है, ठीक है? दो क्रॉप होती है और प्रत्येक क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट क्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोनेंट क्रॉप कहा जाता है। तो इसमें एक क्या है, मेज है और एक क्या है, मूंग है। तो मेज को मैं बोल देता हूं ए और मूंग को बोल देता हूं बी। क्लियर हुआ? क्लियर यस सर हुआ ये? तो यस इस सर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में जो मेज की जो यील्ड आएगी, उसे मैं ये डिनोट करता हूं वाई ए बी से। वाई ए बी का मतलब क्या है कि दोनों की यील्ड मिक्स हो रही है, ठीक है? तो वाई ए यानी ए फर्स्ट क्या है आपका, मेज। कि इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में मेज की क्या यील्ड है, उसे हमने डिनोट किया वाई ए बी से, ठीक है? और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में मूंग की क्या यील्ड है, इसे हम डिनोट करते हैं वाई बी ए से। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? यस चलिए अब बात करते हैं सोले क्रॉप की। सोले क्रॉप है आपका मेज, तो यहां पर जो मेज का यील्ड होगा उसे हम डिनोट करेंगे वाई ए ए से, ठीक है? और यहां पर मूंग है, तो मूंग का जो यील्ड होगा उसे हम डिनोट करेंगे वाई बी बी से। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? सर चलिए अब देखते हैं कि मान लीजिए जब हम मेज का खेती जो है एक पूरे खेत के अंदर, 1 हेक्टेयर के अंदर केवल मेज ही उगाते हैं, तो उसकी जो यील्ड आती है वो कितनी आती है, 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आती है। कितनी आती है? 50 क्विंटल आती है। कितनी आती है? 50 क्विंटल आती है। और मूंग को जब हम अलग ही लगाते हैं, प्योर खेत के अंदर लगाते हैं, 1 हेक्टेयर के अंदर ग्रो करते हैं, तो उसकी यील्ड आती है 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये चीज ही समझ में आई? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस लेकिन जब हम इन दोनों क्रॉप को इंटरक्रॉपिंग में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दोनों फसलों को एक साथ ग्रो करते हैं, तो यहां पर जो मेज की यील्ड होती है वो होती है आपकी 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है? एक एग्जाम्पल है, ठीक है? और यहां पर जो मूंग की यील्ड होती है वो होती है आपकी 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यहां तक यस समझ में आया? सर ठीक है। तो इस इंटरक्रॉपिंग सिस्टम की टोटल यील्ड कितना हो गया, बताइए मुस्कान, टोटल यील्ड कितनी हो रही है? 49 मान लीजिए इसको 5 क्विंटल मान लेते हैं ना, 5 क्विंटल मान लेते हैं इसको, चलिए, है ना? तो 50 क्विंटल हो गया, 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया, ठीक है? ठीक है, 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। और 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कितने एरिया से आया, 1 हेक्टेयर एरिया से हुई है। ये ग्रोस इकोनॉमिक यील्ड हमने निकाल लिया। यहां तक समझ में आया आपको? सर ठीक है, ये है आपकी इंटरक्रॉपिंग यील्ड, ठीक है? और यहां पर जो है सोले क्रॉप आपने जब मक्का का लगाया, तो 1 हेक्टेयर के अंदर कितना आया है, 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आया है। लेकिन जब उसी मक्का को आप इंटरक्रॉपिंग में लगाते हो तो कितना यील्ड आता है, 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आता है, ठीक है? समझ में आया ये चीज यहां पर? अब मान लीजिए आप चाहते हो कि जितना इंटरक्रॉपिंग में यील्ड मेज का आया है, उतना ही यील्ड अगर मान लीजिए हम सोले क्रॉपिंग में लेवे, तो हमें कितने एरिया की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ये याद रखना है, 50 क्विंटल हेक्टेयर यील्ड
obtained from 1 hectare area. क्लियर हुआ? तो एक क्विंटल कितने से मिलेगा हमें? 1/50 से मिलेगा, और हमें कितना प्राप्त करना है? 45 क्विंटल करना है. तो 1/55 × 45, ठीक है? इसको जब आप निकालोगे तो ये कितना जाएगा? 0.9 हेक्टेयर. यानी जितनी इल्ड इंटरक्रॉप की जो है, मेज की जो है इंटरक्रॉपिंग में आई है, उतनी इल्ड यदि हम मान लीजिए सोले क्रॉप में लेना चाहते हैं तो कितना एरिया देना होगा? केवल हमें 0.9 हेक्टेयर एरिया में ही मक्का लगाना होगा. समझ में आया? समझ में आया? अरे आया या नहीं आया, या फिर शुरू से समझाएं, बताइए. जी सर. जी सर. कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी को? कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है ज्यादा? अरे बेझिझक बताइए यार. हेलो सर, ये वाला स्टेप एक बार और समझाएं. चलिए ऐसा करते हैं, पहले एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है? थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है? यस सर. देखो एक बार इसका देख लेते हैं डेफिनेशन पोर्शन, उसके बाद इसको करते हैं. लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता है जो कि किसने दिया? विल्ले नाम के वैज्ञानिक ने दिया. इट डिनोट द रिलेटिव लैंड एरिया. ये किसको इंडिकेट करता है? रिलेटिव लैंड एरिया अंडर सोले क्रॉप, ठीक है, रिक्वायर्ड टू गिव द सेम यील्ड एज ऑब्टेन अंडर द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम. मान लीजिए इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में एक्स यील्ड हमें प्राप्त हुआ है, तो इतने ही यील्ड अगर हम सोले क्रॉप एरिया के अंदर लेना चाहते हैं तो हमें जो है कितना रिलेटिव लैंड एरिया ज्यादा देना होगा. क्लियर हुआ? रिलेटिव लैंड एरिया अंडर सोले क्रॉप रिक्वायर्ड टू गिव द सेम यील्ड एज ऑब्टेन अंडर द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एट सेम लेवल मैनेजमेंट. ये विल्ले ने दिया था 1979 के अंदर. LER का फॉर्मूला क्या होता है? YAB/YAA + YB/YBB. YAB क्या डिनोट करता है? YAB यील्ड ऑफ कंपोनेंट ए मिक्सचर. मान लीजिए ये आपका एक हेक्टेयर एरिया था, यहाँ आपने इंटरक्रॉपिंग लगाया, इंटरक्रॉपिंग में आपने मान लीजिए मक्का यहाँ पर ग्रो कर दिया, ठीक है, उस मक्का के बीच में आपने जो है मूंग लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ दो क्रॉप हो गई, एक मेज हो गया और एक क्या हो गया आपका? मूंग हो गया. तो मेज हो गया हमारा ए और मूंग हो गया हमारा बी. तो ए बी का मतलब क्या है कि यील्ड ऑफ कंपोनेंट ए इन मिक्सचर, यानी इंटरक्रॉपिंग में मेज की क्या यील्ड आती है. क्लियर हुआ? ये है आपका वाई ए बी. और वाई बी ए क्या है कि इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में एक हेक्टेयर एरिया में मूंग की कितनी यील्ड आती है, वो है आपका वाई बी ए. यहां तक समझ में आया? यस सर. चलिए अब है आपका वाई ए ए. वाई ए यील्ड ऑफ कंपोनेंट ए एज अ सोले क्रॉप. सोले क्रॉप का मतलब क्या होता है कि एक हेक्टेयर एरिया के अंदर जब हम पर्टिकुलर एक ही क्रॉप की वैरायटी को नॉर्मल डेंसिटी के अंदर ग्रो करते हैं तो वो हमारी क्या होती है? सोले क्रॉप होती है. तो एक हेक्टेयर एरिया के अंदर हमने मेज लगाया है और इसकी यील्ड जो आती है उसे हम डिनोट कर रहे हैं वाई ए ए से. समझ में आया? वाई बी बी का मतलब क्या है? यील्ड ऑफ कंपोनेंट बी एज अ सोले क्रॉप. यानी मूंग को जब हम एक हेक्टेयर एरिया के अंदर सोले क्रॉप यानी इसकी जो नॉर्मल डेंसिटी है उस पर हम ग्रो कर रहे हैं और यहां से जो यील्ड आ रहा है उसे हम डिनोट करेंगे वाई बी बी से. क्लियर हुआ? यस सर. ठीक है. और इस फॉर्मूले के अंदर जब हम पुट करेंगे, जैसे कि वाई ए बी अपॉन वाई ए है हम रखेंगे, यानी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में मेज की कितनी यील्ड आती है, एक क्रॉप की कितनी यील्ड आती है, अपॉन सोले के अंदर जब उसे हम प्लांटेड करते हैं लगाते हैं तो वहां कितनी यील्ड आती है, प्लस वाई बी ए यानी जो सेकेंड क्रॉप है जैसे मूंग है तो उसकी इंटरक्रॉपिंग में कितनी यील्ड आई है और सोले क्रॉप में कितनी यील्ड आई है, उसका जो रेशियो होता है, उसका जो आपका ये निकलता है वो क्या कहलाता है? आपका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहलाता है. यहां तक तो समझ में आया होगा आपको? यस. यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो LER ऑलवेज ग्रेटर देन 1 सो यील्ड एडवांटेज. अगर इस LER का मान एक से ज्यादा होगा तो ये क्या दिखाता है? यील्ड एडवांटेज दिखाता है. ठीक है, क्लियर हुआ? और इसे रिप्लेसमेंट और एडिटेटिव सीरीज दोनों के अंदर हम यूज कर सकते हैं. रिप्लेसमेंट जैसे मेज की हमने 6 कतारें लगा दी, उसके बाद आगे की कतारों को हटा के यहाँ कोई और क्रॉप प्लांटेड कर देंगे. एडिटेटिव सीरीज यानी एडजस्टमेंट करना है, मेन क्रॉप के बीच में कंपोनेंट क्रॉप को ग्रो करना है, ये एडिटेटिव सीरीज होता है. ये तो था आपका थ्योरेटिकल जो कि आपको समझ में आया होगा. क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है. अब हमने यहाँ पर कहा कि LER अगर एक से ज्यादा होगा तो हमें यील्ड एडवांटेज होगा. इसको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक फील्ड है इंटरक्रॉपिंग का, ठीक है, और दो फील्ड हैं आपके अलग अलग, आपने जैसे कि ए और बी क्रॉप, ठीक है, ए और बी क्रॉप, ये ए क्रॉप का सोले एरिया और ये बी क्रॉप का,
ठीक है। एक क्रॉप मान लीजिए आपकी है मेज और ये है आपकी उड़द, ठीक है। ये 16 क्रॉप के अंदर लगा रखा है मेज और ये लगा रखा है आपने भी उड़द। यहां तक समझ में आया। जब मेज को हम इंटरक्रॉपिंग के अंदर ग्रो करते हैं तो इसकी यील्ड आती है दोस्त हमारी 3000 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी आती है? 3000 केजी प्रति हेक्टेयर। लेकिन जब हम उड़द को इंटरक्रॉपिंग में लगाते हैं मेज के साथ तो इसकी यील्ड कितनी आती है? 600 केजी आती है, ठीक है। लेकिन जब हम मेज को ही पर्टिकुलर 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर लगाते हैं तो इसकी यील्ड आती है 4000 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और जब हम उड़द को अकेले लगाते हैं नॉर्मल डेंसिटी पर ग्रो करते हैं तो इसकी यील्ड आती है 1500 केजी, ठीक है। तो वाई ए इंटरक्रॉपिंग में, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? वाई ए भी हो गया, सही है, क्लियर हुआ? यस सर, है ना। और ये क्या हो गया हमारे लिए? वाई वाई बी, वाई बी हो गया। और ये क्या हो गया मेज के लिए? ए क्रॉप के लिए वाई ए, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे लिए? वाई वाई बी, ठीक है। तो वाई ए बी अपॉन वाई ए ए प्लस वाई बी ए अपॉन वाई बी बी, तो ये किसका फॉर्मूला है? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 3000 केजी अपॉन 4000, सही है, प्लस कितना है आपका यहाँ 600 केजी अपॉन 1500, ये भी सही है, क्लियर हुआ। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। जब आप 3/4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.75 आ जाएगा, क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है, 0.75 आ जाएगा। और जब 15 का भाग आप 6 में दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? लगभग 0.4 निकल के आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा इसको, है ना। और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो वो कितना आ गया हमारे पास? 1.15 आ गया। 1.5 का मतलब क्या है? 1.15 का मतलब क्या है? ये एक से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एलईआर ऑलवेज जो है, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा? यील्ड एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा या क्या होगा? एडवांटेज, एडवांटेज होगा। मींस हम बोल सकते हैं कि अगर किसान जो है मेज और उड़द को दोनों को इंटरक्रॉपिंग में लगाता है तो उसे क्या होगा? यील्ड एडवांटेज होगा ऑन पर यूनिट एरिया बेसिस ऑन लैंड, यानी उसे जो है लैंड पर यूनिट लैंड का यूज करते हुए यील्ड एडवांटेज होगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए ये रेशो का मान एक से कम आता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा? डिसएडवांटेज होगा, यानी आप जो है इस दोनों क्रॉप को जो है इंटरक्रॉपिंग में ना ले तो अच्छा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज दे रहे हैं। और केवल इसका मान जब 1 आएगा तो ये किस चीज को बताता है कि दोनों ही क्रॉप जो है म्यूचुअली है, कोई किसी को जो है यहाँ नो यील्ड एडवांटेज है, ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये है आपका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, समझ में आया? यस सर, चलिए।